लिखा तो कबीर ने था, पर परिचय है इन शब्दों में मुकुल शिवपुत्र का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवीणतम गायकों में कह सकते हैं आप मुकुल को, बातचीत में आसानी से जमाने को बदलाने के लिए। पर सही सही परिचय, वास्तव दरअसल में यह शख्स है कौन? युगन युगन जन्म जन्म से जोगी, इतनी कम उम्र में आप पूछेंगे क्यों, क्या हुआ? छोड़िए, जिंदगी के घाव चोटों में कारण वजह ढूंढने लगे तो फिजूल भ्रम जाल में उलझ जाएंगे आप। झुकाव लगाव की बात है, और लगाव मुकुल का स्वाभाविक झुकाव है वैराग्य फकीरी में। मन लगा यार फकीरी में। What brilliance! As the only son of Kumar Gandharva, a living legend in music of our times, Mukul Shivaputra has roots in one of India's most illustrious musical families. Yet it is unlikely you will hear him in concert anywhere. He is wholly lost to our world of give and take. If you do not have a convenient description to slot this young man by, that is your problem. He belongs to an elusive, ethereal world of mystics and fakirs. Court or concert hall is not where you will find him, but like others of his ilk, Sazveer or Meera, maybe on a cart along the Ganga, or sweeping the steps of a little-known temple in some remote corner of the country, subsisting on kindness, singing with all his heart and mind to the lone audience of a temple deity in the pre-dawn dark, or to pilgrims who come and go, only one in a hundred, with time to stop and listen. वैराग्य तो वास्तविकता, जीवन को देख के उसको समझ के वैराग्य होना स्वाभाविक है। अगर वैराग्य नहीं होता तो मूर्ता कोई व्यक्ति प्राप्त होगा, और हर ज्ञानी में, हर समझदार आदमी में वैराग्य का कुछ ना कुछ अंश तो होता है। संगीत एक ऐसी कला है, विशेषतः भारतीय संगीत, कि वो व्यक्ति को अंतर्मुख कर ही देती है। वो व्यक्ति यदि अंतर्मुख होता है, क्योंकि देखिए ना, रचना भी हम ही कर रहे हैं, गा भी हम ही रहे हैं, साधना भी हम ही कर रहे हैं। संगीत एक ऐसी साधना है जिसके अंदर अभिव्यक्ति और अनुभूति, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और श्रोता और संगीतकार, जबकि संगीतकार गा रहा है, श्रोता सुन रहे हैं, पर संगीतकार गाते गाते सुनता भी है, तो वो सब एक रूप हो जाता है, इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसमें स्वयं को सचमुच समाधान हुआ हो और वो समाधान श्रोताओं में रिफ्लेक्ट हुआ हो, यानी उनको भी हुआ है, अपने को भी हुआ है। क्योंकि संगीत के अंदर वो जो पूरी महफिल होती है वो एक रूप हो जाती है। संगीतकार गा रहा है, श्रोता सुन रहे हैं, गाते गाते गायक भी श्रोता हो गया, द्वैत हुआ अद्वैत संगीत में। पर जब गायन बंद हुआ, कला तो कुछ टाइमिंग के लिए होती है, कुछ व्यक्तियों के लिए होती है, उनकी अनुभूति होती है, परंतु बाद में जो प्रत्यक्ष जीवन होता है उसके अंदर अन्य बातों को ज्यादा फेस करना पड़ता है। He sings like an angel, making angelic everything that touches his music. But then the song ends, and life, with all its harshness, takes over. The Kafkaesque nightmare of the real world that drives the sensitive soul in Mukul into retreat, into opting out, becoming a recluse. जैसे मैं कह रहा हूँ कि संगीत जीवन में है, लेकिन सब जीवन संगीत नहीं है, नहीं पूरा जीवन संगीत में हो सकता है। संगीत तो कुछ ऐसा है कि ये प्रकृति का हास्य है। प्रकृति जैसे किसी अभिसारिका के नाक में एक हीरे की नथ चमकती है, वो जो ब्यूटी स्पॉट है, वैसा इस पूरी प्रकृति के अंदर संगीत एक ब्यूटी स्पॉट है। ये कुछ इस प्रकार का सौंदर्य होता है जैसे एक नवनारी का सौंदर्य है। वो सौंदर्य जब प्रकट होता है तो गैरों के मत्सर का भी कारण होता है। वो अपने सौंदर्य से ही
सौंदर्य को कोसने लगती है। सौंदर्य का एक चरमोत्कर्ष बिंदु है संगीत, वो मत्सर का भी कारण होता है। सुंदरता ये जितना वरदान है उतना ही अभिशाप भी है, इसमें आप सब कुछ समझ लीजिए। मत्सर, ईर्ष्या, अगर अपने माहौल में इतनी व्यापक न होती, संवेदनशील कलाकार के लिए इतनी बर्दाश्त के बाहर असह्य, तो अच्छा होता। प्रत्यक्ष जीवन माहौल में कुछ अनुकूलता, थोड़ा प्रोत्साहन, कुछ खुले दरवाजे, संपन्न होने के समुचित अवसर, फिर शायद मुकुल प्रत्यक्ष जीवन से इस कदर न रूठते। होती जमाने में मनाने की चाह, पर छोड़िए फिलहाल प्रतिकूल वातावरण जमाने की, जिसमें मुश्किल है गुजारा निर्वाह ऐसे कलाकार का जो दुनियादारी के दांव पेंच में ना ही माहिर है और ना माहिर होने की इच्छा रखता है। है महत्वपूर्ण, पर प्रत्यक्ष जीवन ही सब कुछ नहीं। ना जमाना सुने तो संगीत असंगत निरर्थक नहीं हो जाता। शिकायत उलहनों से जरा परे, अब मुकुल की नजर उस मंजिल पर है जहां साधक अपने को स्वयं में संपन्न पाता है। वह मंजिल जिसका कबीर वर्णन करते हैं इस निर्गुण में जिसे मुकुल गा रहे हैं, कितनी समझ से, हम ही सिद्ध समाधि हम ही, हम मौनी हम बोले, रूप स्वरूप अरूप दिखा के, हम ही में हम तो खेले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ना ही ना कोई इच्छा, अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं, खेलूं सहज स्व इच्छा। When at last we traced him to Khajana's ancient Ganesh temple a little beyond Indore, we wondered if he would talk very much, let alone sing before the camera. We were fortunate. After a pre-dawn recording at the temple, he even took us to his parental home in nearby Devas. We were deeply touched. He had not been home in ages. His son of 8, rendered motherless as a toddler after the death of Mukul's wife in a tragic accident, hardly recognized him. Sadly too, Kumar Gandharva, Mukul's father and guru in music, was away from Devas. Mukul took it all in his stride with the detachment of one who has renounced the world.